चारों तरफ तुम्हारे खिलौने फैले हुए बेटा, क्या कर रहे हो? नाक बह रही है जल्दी में, जल्दी हो गई है लल्ला को। इधर दिखाओ तुम, इधर दिखाओ, इधर आओ। गिर जाएगा बाबू, गिर जाएगा। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल श्वेता लव शिविन। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है। जैसा कि आप सभी लोग को पता ही है कि मकर संक्रांति में बहुत ही, मतलब हमारे इंडिया में तो हम लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। तो मकर संक्रांति में लोगों के घर घर में लड्डू बांधे जाते हैं, तो आज हमारे यहाँ भी लड्डू बनेंगे। लड्डू बनने का सारा सामान जो है कल आ चुका है, तो आज मम्मी बनाएगी लड्डू। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, आज का ब्लॉग जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मैं आपको बीच बीच में अपडेट देती रहूंगी कि मम्मी लड्डू कैसे बनाती हैं, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। कैसे गाड़ी चली? पीप पीप। अरे कैसे कर ले शिविन? गाड़ी चलाओ, गाड़ी गाड़ी कैसे चलती है गाड़ी शिविन की? हाँ शर्म आ रही है, शर्म आ रही है शिविन को। अल्ली बाबली, ओ अल्ली बाबली, कैमरे के सामने शर्म आ रही है। अभी तो कर रहे थे, गाड़ी चल रही थी अभी। शिविन भगवान जी का दिया रख दो बेटा, रख दो वहाँ, वापस रख दो, रख। ओ नो नो, मुंह में नहीं डालते हैं, भगवान का पूजा होता है उसे मुंह में नहीं डालते हैं बाबू। रख दो, रख दो, रख दो, अरे रख दो, अरे रख दो, अरे रख दो, चोरो 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 चोरो। अरे अली बाबले, मुंह कैसे बनाना है? मम्मी देखो दिया लेने छुड़ा उसे। नानी क्या बना रही सिगड़ी, पूछो। नानी क्या बना रही हो सिगड़ी में? नानी क्या बना रही हो? नानी की जुगाड़ू सिगड़ी देखो। अभी क्या फोड़ के बनवाई हो कि खरीदी थी ऐसी सिगड़ी? खरीद के हाँ सही है। देखो नानी लड्डू बना रही, खाओगे ना लड्डू? हाँ नहीं, हम क्या करेंगे ऐसी पूछ रहे हैं कि सिगड़ी कहाँ से हुई। नानी क्या बना रही हो? मौसी क्या बना रही हो? बताओ मौसी क्या बना रही हो, पूछो जी। गाइस आज हमारे यहाँ बन रहे हैं तिली के लड्डू। ये देखिए तिली के लड्डू बन चुके हैं, मम्मी ने बनाए हैं और अब तैयारी हो रही है। अब किस चीज के लड्डू बनेंगे? अब बनेंगे आटे के लड्डू। और उसके लिए ये बेसन रेडी हो रहा है, बेसन का सेव झारेंगी मम्मी पहले, फिर आटा यहाँ भूंज के मम्मी ने रखा है, आटे में मिला के और गुड़ का पाक करके और फिर लड्डू बनेंगे। हम लोग लड्डू बनने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी जल्दी नानी लड्डू बनाएगी और शिवी लड्डू खाएगा ना। शिवी, शिवी लड्डू खाएगा। ओ गिरा, शिवी का नाम नानी ने रखा है लड्डू, है ना लड्डू? तो लड्डू के लिए स्पेशल लड्डू बन रहे हैं, है ना शिवी? हाँ शिवी लड्डू खाएगा, शिवी लड्डू खाएगा। क्या हो गया? क्या हुआ शिवी? लड्डू मांग रहे हो नानी से? नानी जल्दी लड्डू दो। हाँ नानी जल्दी लड्डू दो बना के। पापा पापा गाइस,
शाम के 6 बज गए हैं और मम्मी ने स्टार्ट किया था मतलब दोपहर में 3 बजे खाना वाना खा के लड्डू बनाना। तो अभी तिल के लड्डू बन चुके हैं, आपको मैंने दिखाया भी, और इसके बाद अब बनेंगे आटे के लड्डू। आटे को भून के और उसमें सेव मम्मी घर में झाड़ती हैं, सेव मतलब बेसन का जो सेव झड़ता है, और उसको आटे के लड्डू में मिला के। हाँ बाबू क्या हो गया, क्या क्या खेलो भैया के साथ खेलो, मम्मा आटा गूंथ रही है ना, चुपका इसको ले जाओ बाबू, और लो भैया के साथ, भैया के साथ खेलो, ये लो अपना चक्री लो, अपना चक्री, हाँ खेलो, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। श्री जो है परेशान कर रहा है थोड़ा सा, मतलब शाम हो गई ना तो गोद में चढ़ने के लिए थोड़ा सा रो रहा है, तो भैया की गोद में जाकर घूम रहा है। हाँ तो मैं क्या बोली थी फ्रेंड्स कि आटे का जो लड्डू है उसमें बेसन के सेव झाड़ के और गुड़ का पाक करके उसमें सोंठ मूंगफली सब चीज डाल के और वो जो सेव है उसको भी मिला के और गुड़ के पाक में और वो लड्डू बनाया जाता है। तो अभी मम्मी वही तैयारी कर रही है और शाम हो गई है तो मम्मी वो बाहर वाला जो घर है उसमें कर रही है क्योंकि सिगड़ी में बना के मम्मी बना रही है लड्डू, सिगड़ी को जला के, तो यहाँ पे सिगड़ी का जलाएंगे तो धुआं होके काला हो जाएगा, इसलिए मम्मी बाहर वाले कमरे में जो बाहर वाला घर है उसमें बना रही है। तो मैंने कहा जब तक गुड़ का पाक हो रहा है तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे आटा गूंथने, तो मैं शाम के खाने की तैयारी तब तक कर लेती हूँ जब तक मम्मी का गुड़ का पाक तैयार हो रहा है। तो बस थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी कि मम्मी लड्डू कैसे बांध रही है आटे के लड्डू, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में, तब तक मैं अपना यहाँ का काम भी कर लेती हूँ। मिलजुल के काम करो तो जल्दी काम हो जाता है, तो इसलिए मम्मी और दीदी लगी हुई है लड्डू के काम में, तो मैंने कहा कि मैं शाम का खाने रेडी कर लेती हूँ, है ना, बस वही हो रहा है। गाइज मैं वहाँ पे सब्जी बना के यहाँ पे आ गई हूँ, देखिए अंधेरा हो गया है, यहाँ पे लाइट भी थोड़ी सी कम है, तो मम्मी बना रही हैं अभी गुड़ का पाक बन रहा है ना, ये देखिए गुड़ का पाक अभी बन रहा है, और यहाँ पे ये आटे में मम्मी ने सेव सोंठ और क्या मिलाया मम्मी, और अच्छा सब चीज़ मिलाया, नारियल मूँगफली तिल सौंठ और जो बेसन के सेव झाड़े थे मम्मी ने वो सब इसमें मिक्स हो गए हैं, और बस अब गुड़ का पाक रेडी हो जाएगा और उसके बाद लड्डू बनना शुरू हो जाएंगे। गाइज यहाँ पे गुड़ का पाक जो है रेडी हो चुका है, और देखिए ऐसे थोड़ा थोड़ा पाक इसमें मिला के और फिर मम्मी इसके लड्डू डालेंगी। क्या खुशबू आ रही है गाइज, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, मतलब मैं तो बस बैठी हूँ इंतजार में जल्दी बने और जल्दी जल्दी लड्डू खाए जाए। देखिए तो तिल के लड्डू बन के रेडी हो चुके हैं और अब बन रहे हैं आटे के लड्डू। तो गाइज आप लोग क्या मकर संक्रांति की तैयारियां कैसे चल रही है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप लोग क्या लड्डू बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं वो भी कमेंट में बताइएगा, और ये वाला वीडियो होप आप लोग को अच्छा लग रहा होगा और आपको मज़ा भी आ रहा होगा ये ब्लॉग देख कर, तो आप लोग कमेंट ज़रूर करते रहिएगा फ्रेंड्स। तो गाइस टेस्टी टेस्टी लड्डू बनके तैयार हो गए हैं,
और आज का ब्लॉग यहीं पे मैं ख़त्म करती हूँ। आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का ब्लॉग कैसा था। तो गाइज़ मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ओम साई राम सभी को।